अब आगे हमारे लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी बड़े भाई परम आदरणीय समीर उरांव जी से मैं आग्रह करूंगी कि हमारे झारखंड का जो पारंपरिक पगड़ी है उनको देके सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ अंग वस्त्र भी देके सम्मानित। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आज इस शीशई की पावन धरती में, यह शीशई वीरों की धरती है, इस वीरों की धरती में आज मैं आपका हृदय से वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज इस शीशई जैसे सुदूर क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है। आज हम सभी लोग यहां लोहरदगा और खूंटी के सभी देवतुल्य सभी कार्यकर्तागण, हम लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये वीरों का धरती है, तेलंगा खड़िया जैसे वीर यहां पैदा हुए हैं, वीर बुधु भगत जैसे वीर पैदा हुए हैं, हमारे लीलांबर पीताम्बर जैसे वीर पैदा हुए हैं इस क्षेत्र में। अभी मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप लोग सभी लोग स्वागत किए, धन्यवाद किए। और अभी हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल है। तो आप लोग हमारे मंच पर उपस्थित, मैं सिर्फ आपके बीच स्वागत के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले आज देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री और इस धरती के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मंच पर उपस्थित आपके इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री समीर उरांव जी और इस क्षेत्र से सांसद श्री सुदर्शन भगत जी और मंच पर उपस्थित आजसू पार्टी के नेता श्री सुदेश महतो जी और मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के और सहयोगी गठबंधन दल के नेतागण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन और अपील करने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूँ कि आप सब लोगों से मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि आज इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अतीत को हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के भी विरोधी रहे हैं, झारखंड वासियों के भी विरोधी रहे हैं और विकास के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कहूंगा कि आज इस राज्य में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है, इन लोगों ने सिर्फ लूटने का ही काम किया, यानी जितनी भी खनिज है नदी के बालू तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि इस लोकसभा के चुनाव में हम सबको यहां से संकल्प ले करके जाना है और इस चुनाव में यहां से समीर उरांव जी को जिताना है और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया था। और आज हम सब लोग देखते हैं, जो जेल में यहां के पूर्व मुख्यमंत्री बंद है, वो बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें फंसा दिया, वो कहते थे कि प्रशासन ने हमें फंसा दिया ईडी वालों ने, लेकिन कल तो झारखंड हाईकोर्ट का ही निर्णय आया। झारखंड हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोई फंसाया नहीं है, उन्होंने खुद अपनी करनी से आज वो जेल में बंद है। यही निवेदन और यही मैं आप सबको बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और इसलिए मैं फिर से अपने ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप यहाँ उपस्थित विशाल जन समूह को आप संबोधित करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सब आयो बाबा, भाई बहन, दीदी बुचो और बॉक्साइट नगरी लो दरगाह कर परिवारजन के मोर झारखंडी जोहार। भाई मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है। सबसे पहले तो जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग वहां धूप में खड़े हैं और उससे जी ज्यादा अभी आ रहे हैं। मैंने हेलीकॉप्टर में से देखा, शायद मेरी सभा पूरी होने के बाद भी लोग आते होंगे। भाइयों बहनों, ये दृश्य, ये जागरूकता, ये अद्भुत है। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में पीछे धूप में तप रहे हैं, शायद वो मुझे देख नहीं पाते होंगे, शायद मेरी आवाज भी पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी, लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको जो ये असुविधा हो रही है इसके लिए क्षमा मांगता हूं। और दूसरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो ताप में तप रहे हैं, मोदी आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने देगा। मैं विकास करके ये प्यार को सवाया करके लौटाऊंगा। मैं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पिछले वर्ष उनके जन्मदिवस पर मुझे उनके गांव जाने का सौभाग्य मिला था और मुझे वहां की मिट्टी माथे पर चढ़ाने का गौरव प्राप्त हुआ था। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे उनके गांव जाकर उस मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और मुझे वो सौभाग्य मिला। भाइयों और बहनों, भगवान बिरसा मुंडा मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरे लिए प्रेरणा है। भगवान बिरसा मुंडा ने जीवन ने उनके जीवन को जब याद करते हैं तब मुझे हर चुनौती से जीतना सिखाया है, चुनौती से जीतने की प्रेरणा दी है। आप देखते हैं, मैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करता हूं तो मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सेवा में जुटा रहता हूं। आपको याद होगा, मैंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहने लगे, झाड़ू लगाने से क्या होगा, शौचालय बनाने से क्या होगा।
आज गांव गांव देखिए हालत बदले हैं। मैंने जब मोबाइल का डेटा सस्ता किया, गांव गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले, जब हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की ठानी, तो ये जामुओं वाले और कांग्रेस वाले कहते थे गांव वालों को इसका क्या फायदा, गांव वाला तो अनपढ़ है। आज मेरे गांव का युवा सोशल मीडिया का हीरो है। कांग्रेस वालों ने इंटरनेट को अमीरों की चीज बना दिया था, मैंने इंटरनेट को गरीबों के घर पहुंचा दिया है। गरीबों की उंगलियों पर नाच रहा है इंटरनेट। साथियों, आज देश में गरीब की चिंता, आपका एक गरीब का बेटा मोदी वही कर रहा है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा, पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए, आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। और मैंने गारंटी दी है आने वाले 5 साल और बढ़ाऊंगा। और हैरानी देखिए, ये कांग्रेस के शाही परिवार को, ये जो मैं गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहा हूं, तो उनको तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं ये मोदी अपने आप को समझता क्या है, ये आदिवासियों को गरीबों को मुफ्त में अनाज देता क्यों है। अरे तुम कौन होते हो भाई, इस देश के मालिक यही है, इस देश का खजाना इन्हीं लोगों के लिए है, ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। शाही परिवार कुछ भी कहे, लेकिन मोदी ने आपको मुफ्त राशन देने की गारंटी दे के रखी है। धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस के पाप की लिस्ट बनाए तो कई दिन निकल जाए। ये कांग्रेस ही है जिसने लोहरदगा, खूंटी, गुमला जैसे जिलों को पिछड़ा कहकर बदहाल छोड़ दिया था। ये ज्यादातर मेरे आदिवासी जिले हैं। यहां बिजली,
पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ऐसा कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ था। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी ने इन जिलों को, विकास को अपना मिशन बनाया। मैंने इनको पिछड़े नहीं, बैकवर्ड नहीं, आकांक्षी जिले घोषित किया। यहां क्या क्या काम चल रहा है, कौन सी सुविधा पहुंची, कौन सी सुविधा भी नहीं मिली है, अफसर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं मेरे दिल्ली के कमरे में स्क्रीन पर लगातार उसे देखता रहता हूं क्या चलता है, मॉनिटर करता हूं। आज ये आकांक्षी जिले देश के बाकी जिलों से भी कहीं तेजी से विकास करने की राह पर आ गए हैं। साथियों, आदिवासियों में भी जो अति पिछड़े हैं उनको कोई पूछता ही नहीं था, मोदी उनके लिए पीएम जनमन योजना लेकर के आया। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे आदिवासियों में भी अति पिछड़े साथियों के लिए विशेष तौर पर घर, बिजली, पानी जैसे काम किए जा रहे हैं। और जानते हैं, इन योजना के लिए मुझे सबसे ज्यादा सुझाव किसने दिया? इस पूरे विषय को विस्तार से मेरे सामने किसने रखा? हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये योजना शुरू होने के पीछे राष्ट्रपति जी ने ओडिशा में, झारखंड में जो समय बिताया उसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन झारखंड के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी को एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सबसे ज्यादा विरोध इंडी गठबंधन ने किया था। भाइयों और बहनों, मोदी को आपकी भावनाओं की कद्र है, आपकी जरूरतों की चिंता है। इसका एक उदाहरण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी है। ये क्षेत्र तो बॉक्साइट का बहुत बड़ा उत्पादक है। पहले खनिज निकलता था और जहां से निकला उस क्षेत्र को कोई नहीं पूछता था। मोदी ने कांग्रेस के जमाने की ये नीति भी बदल डाली। मोदी ने तय किया कि इस संपदा का एक हिस्सा स्थानीय विकास के लिए लगना चाहिए। इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। इससे झारखंड को भी 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पहले एक पाई नहीं मिलती थी। भाइयों और बहनों, जहां सरकारें भ्रष्ट हो, वहां बजट कितना भी हो, विकास संभव ही नहीं है। जिस बाल्टी में छेद किया हो उसमें कितना ही पानी भरो, बाल्टी भरेगी क्या? बाल्टी भरेगी क्या? यहां वो भ्रष्टाचार का छेद ऐसा लगा हुआ है, सीधा पाइप उनके घर में जाता है। ऊपर से रुपया ना काटो, नीचे से पाइप में उनके घर में पहुंच जाता है। झारखंड इन्हीं मुसीबतों से गुजरा है। आप देखिए, पेपर लीक का मामला, इस राज्य में कोई ऐसी एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना होता हो। मेरे नौजवानों का क्या होगा भाई? और मैंने देखा
कि झारखंड सरकार में बैठे हुए लोग सुधरने वाले नहीं है, तो मुझे दिल्ली से ही डंडा चलाना पड़ेगा। और इसलिए मोदी ने ये पेपर लीक वाले जो माफिया है ना, उनके विरुद्ध में एक बहुत कड़ा कानून बना दिया है। ये बच्चों के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, अगर हमारे पास 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया हो तो हम ऐसे बांध करके रखते हैं, इतना संभाल करके रखते हैं कि भाई जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। हमारी माताएं बहनें घर के अनाज के अंदर कपड़े में बांध करके पैसे, सोना रख देती है, चांदी रख देती है, ताकि जरूरत पड़े तो काम आ जाए। एक एक रुपये की कीमत होती है। लेकिन झारखंड में देखिए, कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के ढेर निकले, नोटों के ढेर, और नोटों के ढेर इतने बड़े थे कि बैंक से मशीन लाए गिनने के लिए, तो ये मशीन भी हांफने लगे। मुझे बताइए भाई बहन, ये पैसा किसका है? ये आपका है कि नहीं है? ये पैसा आपका है कि नहीं है? ये पैसा आपके पसीने का है कि नहीं है? ये पैसा आपके हक का है कि नहीं है? किसने उनको चोरी करने का अधिकार दिया भाई? एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जेल में बंद है। अब आप मुझे बताइए, कोई आपके घर में चोरी कर जाए तो आप उसको सजा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर आपके घर में चोर घुस जाए और आपका कुछ लेकर के चला जाए तो आप उसको पकड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते कि नहीं चाहते उसको सजा मिले? चाहते कि नहीं चाहते? अगर आपके घर में कोई चोरी कर जाए, उसको जेल भेजना चाहते हैं, तो ये झारखंड भी तो आपका घर ही है ना, ये झारखंड आप ही का है ना, उसमें कोई चोरी कर जाए तो वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, जिसने झारखंड को लूटा, जिसने झारखंड को लूटा, उस पर कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और अदालत इस काम पर थप्पे पे थप्पा मार करके अदालत डंके की चोट पर कह रहा है, हां चोरी की है। भाइयों बहनों, मोदी का एक ही संकल्प है, भ्रष्टाचार हटाओ। और ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। वो रैलियां करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए नहीं। कारखाना खुलेगा, इसके लिए रैली नहीं। किसानों का भला होगा, उसके लिए रैली नहीं। महिलाओं का भला होगा, इसके लिए रैली करते हैं। कभी दिल्ली में करते हैं, कभी रांची में करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, हाथ ऊंचा करते हैं। क्यों? भ्रष्टाचारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ। अरे चुनाव के समय भी भ्रष्टाचारी बचाओ की रैलियां कर रहे हो, मतलब तुम्हें इस देश के कोई लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा, चलेगा, चलेगा। साथियों, आपको भी पता है कि जी गरीब आगे बढ़ता है,
तो उसके लाख दुश्मन हो जाते हैं। कांग्रेस जामुमो और इंडी गठबंधन वालों को आज भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गरीब मां का बेटा पीएम कैसे बन गया, और इसलिए ये लोग मोदी के खिलाफ नए नए झूठ फैलाते रहते हैं। आजकल इनका नया झूठ है, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आएगा संविधान बदल देगा। अरे मूर्खों के सरदार, ये मोदी तो 10 साल से आया हुआ है भाई, ये 10 साल से प्रधानमंत्री है और शान से सरकार चला रहा है, और 10 साल में ये पाप मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं भारत के संविधान की भक्ति करता हूं, मैं बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाले लोगों में से हूं। सच्चाई ये है, खुद इनके चेहरे से मोदी ने नकाब उतार दिया है। साथियों, अपने 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश को परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। इसके अलावा एक और रास्ते पर कांग्रेस चली, और वो रास्ता है तुष्टीकरण, एपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस जो चश्मा पहनती है उसमें एक ही वोट बैंक दिखता है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान हर किसी ने उठाया है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भाजपा सरकार की नीतियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को ये करना ही नहीं है, समझने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप देखिए कैसे कैसे खेल खेल रही है कांग्रेस। इंडी गठबंधन वाले खुद एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण का जो हक मिला है ना, उसमें डाका डालने का प्लान कर रहे हैं, उसमें से चोरी करने का खेल चल रहा है। जब संविधान बना था 75 साल पहले, तब सबने मिलकर तय किया, तब तो हमारे में से बहुत लोग हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय तय हुआ था। बाबा साहब आंबेडकर ने तय किया था कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, दलितों को आदिवासियों को पिछड़ों को संविधान के तहत आरक्षण मिलेगा। लेकिन कांग्रेस आपका हक छीनकर, संविधान को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, आपका हक लूटना चाहती है, और इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, मैं एक गारंटी आज आपके बीच आया हूं तो दे रहा हूं, ये मोदी की गारंटी है। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलित आदिवासी ओबीसी इस आरक्षण में से रत्ती भर भी उनको चोरी नहीं करने दूंगा, ये मेरी आपको गारंटी है। साथियों, कांग्रेस की कुनीतियों ने ही देश को नक्सलवाद की खूनी हिंसा दी, माओवाद ने हमारी कितनी माताओं के लाडलों का जीवन बर्बाद कर दिया। 10 सालों में मोदी ने
माओवादी हिंसा के देश के एक बड़े हिस्से को मुक्त कराया है। लेकिन कांग्रेस आज भी माओवादी नक्सलियों का समर्थन कर रही है। अपना वोट बैंक बचाने के लिए कांग्रेस आतंकवादियों पर भी कार्रवाई नहीं करती। बहुत मेहनत के बाद आतंकवादियों के स्लीपर लेयर को हम तोड़ पाए, लेकिन झारखंड में जो किया जा रहा है वो खतरनाक है। यहां घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासी परिवारों की जमीन हड़पने का खेल हो रहा है। संथाल में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन कैसे अपना रैकेट चला रहे हैं, कैसे आदिवासियों के साथ ठगी कर रहे हैं, कैसे आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जमीन के लिए आदिवासी बेटियों के साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों बेटियों के लिए ये विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। पहले हमने लव जिहाद सुना था, फिर हमने लैंड जिहाद सुना था, अब वोट जिहाद। ये कुछ भी कर ले, कितनी जिहाद कर ले, अब ये देश पीछे हटने वाला नहीं है और मोदी डरने वाला नहीं है। मोदी के रहते कोई भी मेरे आदिवासी भाई बहन के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, ये चुनाव एक मजबूत देश के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए है। इसलिए लोहरदगा से हमारे समीर ओरान जी और खूंटी के भी कुछ लोग यहां आए, वहां हमारे अर्जुन मुंडा जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी और एनडीए हमारे महतो जी, हम साथ मिलकर के झारखंड का भविष्य बना रहे हैं। साथियों, 13 मई को इनको मिला एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका वोट जैसा ही कमल दबाया तो समझ लीजिए मोदी को मिल गया। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करेंगे। देखिए, घर घर जाइएगा और हर घर में जाके कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने जोहार कहा है, श्री राम कहा है, मेरा श्री राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग से आप सबों का दिल में ऊर्जा भरने का काम किया है। निश्चित तौर पर आप लोग लोहरदगा में जो सर जुनून के साथ काम करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।